हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा प्लान बना है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पर जहाँ पर हम लोगों ने बारबेक्यू का प्लान किया है, क्योंकि बकरा ईद के बाद हमने कुछ प्लान किया नहीं था खास बारबेक्यू वगैरह का, क्योंकि सब बिजी चल रहे थे कुर्बानी वगैरह के बाद। तो अभी हमें टाइम मिला है, तो चलो गाइस चलते हैं। अभी पूरी फैमिली को हम अपनी लेके, मैंने फ्रैंकलिन ट्रेवर और फ्रैंकलिन के अपने कुछ दोस्त ट्रेवर और उसके दोस्त भी कुछ आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। हमने एक लोकेशन देखी है, उधर हमने सोचा था कि बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन है पहाड़ों पे जाकर। हमने सोचा कि आज बारबेक्यू वगैरह का सीन करते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से पहुंचते हैं वहां पर और देखते हैं कि अभी फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने कोई सेटअप लगाया भी है कि हमें ही सारा सेटअप लगाना पड़ेगा। तो चलो बस जल्दी से पहुँचते हैं, हाईवे की तरफ निकलते हैं पहले। तो अभी तो ये हम फ्रैंकलिन के घर के पास से ही जा रहे हैं, खैर फ्रैंकलिन करीब है। मैंने उसको कॉल करके पूछा मगर उसने बोला कि तुम लोग पहुंच जाओ, हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पता नहीं कुछ गाड़ी वगैरह का मसला हो रहा है इनका या क्या सीन है। तो चलो बस निकलते हैं, हमें लोकेशन तो पता ही है क्योंकि वो जगह मैंने ही डिसाइड की है, बहुत अच्छी जगह है। तो चलो चलते हैं, और बस थोड़ा मसला शायद लाइटिंग वगैरह का होगा मुझे, क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं है वहाँ पे। मैं फिर भी अपने पास से लैंप्स वगैरह और लाइट्स वगैरह ले जा रहा हूँ। तो भाई ये हो गई है जगह शुरू जहाँ पे हमें आना है। तो आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा हिल स्टेशन है, बहुत मज़ा आएगा इधर बारबेक्यू वगैरह करने में, और नाइट स्टे पे हमारा पूरा प्लान है। तो चलो अब गाइस देखते हैं कि गाड़ी कहाँ से हम नीचे उतारे। मैं इसलिए अपनी लैंड क्रूज़र में ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि पहाड़ी इलाका है और गाड़ी का तो वहाँ पे कोई काम है नहीं। तो चलो भाई ये जगह मिल गई है, यहाँ से सेफली हम अपनी गाड़ी को उतार लेते हैं और यहाँ से हम ऊपर चढ़ा लेंगे अपनी गाड़ी को, क्योंकि रास्ता है तो मैंने देखा था आकर, तो रास्ता तो यहाँ पर है मगर थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आप देख सकते हो अभी फंस गया था मेरा टायर उसमें कीचड़ में, और भाई ये क्या मैंने इतनी स्पीड में निकाल ली, मुझे दिखा ही नहीं था कि वो जंप सा बना हुआ था ऊपर सा हुआ हुआ। तो चलो गाइस सबसे टॉप पर चलते हैं, और ये आप ऊँट वूट भी देख सकते हो यहाँ पे भाग रहे हैं, मगर हम सारा सेटअप अपना लेकर आए हैं। भाई बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं हम, और क्या इधर व्यू आ रहा है, एकदम फुल समंदर का व्यू है। बिल्कुल कोने पे लाके मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया है। अब चलो यहाँ पे जल्दी है गाड़ी को पार्क करते हैं और देखते हैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर को आने में अभी कितनी देर लगेगी, क्योंकि मैंने उनको अभी फिर से कॉल किए और वो अभी तक निकले ही नहीं है। तो चलो अब उनका वेट करते हैं यहाँ पर। और भाई ये रात हो चुकी है और फ्रैंकलिन और ट्रेवर आ गए थे, हमने मिल के यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जला ली हैं और ये लाइट वाइट का थोड़ा सा सेटअप कर दिया, और थोड़ा सा अभी भी कम है। तो फ्रैंकलिन को हमने अभी भेजा है, फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी में गया है लाइट वाइट लैंप्स वगैरह और लेकर आने के लिए। तो चलो जब तक हम लोग अपना ये सेटअप देख लेते हैं कि कुछ कमी अमी तो नहीं रह गई है। और अभी मैंने वहाँ पे अंगीठी में आग भी लगा दी है, तो चलो अब चलते हैं इसको बनाने के लिए। और भाई आप देख सकते हो हम बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिए हैं, और ये फ्रैंकलिन लाइट्स वगैरह भी ले आया था, लैम्प वैम्प तो बहुत रोशनी हो चुकी है, और अभी रात में तो यहाँ से जाना सेफ है नहीं। तो चलो अभी करते हैं यहाँ पे अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं। अभी मैं ट्रेवर के साथ मिलकर यहाँ पर बारबेक्यू बना रहा हूँ, और ये जिमी और ये लोग पीछे खड़े हुए मेरे पार्टी कर रहे हैं। तो चलो गाइस बारबेक्यू जैसा कि तैयार हो चुका है, मैं टेबल वगैरह का इंतज़ाम कर लेता हूँ, और भाई हमने अब खा पी के ख़त्म कर लिया और हम यहाँ पे थोड़ी सी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना ही शुगर वगैरह लगा के बैठे हैं, और ट्रेवर ने बहुत पी ली है और ट्रेवर नशे में। तो गाइस चलो सुबह हो चुकी है और अब हमारी ये बारबेक्यू पार्टी ख़त्म होती है। बहुत मज़ा आया हम लोगों को, ये बहुत टाइम बाद हमने ऐसा कोई सीन बनाया था। तो चलो अब घर की तरफ निकलते हैं, रास्ता भी साफ हो गया है सुबह और ये मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो चलो सुबह सुबह के टाइम पे ही निकलते हैं, और यहीं से पहाड़ से नीचे मैंने डायरेक्ट उतार ली गाड़ी, क्योंकि मैं इसलिए लैंड क्रूज़र में आया था क्योंकि ऑब्वियसली हिल स्टेशन पे गाड़ी वाड़ी का तो किसी कोई काम है नहीं। तो चलो भाई अब हम आ चुके हैं मेन रोड की तरफ और घर के लिए निकलते हैं। मैं अभी इनका वेट कर रहा हूँ, तो ये पता नहीं कहाँ रह गए। तो चलो भाई मेरे पास इसका फ्रैंकलिन और ट्रेवर का मैसेज आ गया है कि आप लोग चले जाओ घर, हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि थकान हो चुकी है। फ्रैंकलिन को अपनी गर्लफ्रेंड को भी ड्रॉप करना है, तो उसने मुझे बोला कि आप लोग जाओ मैं ड्रॉप करता हुआ ही आ रहा हूँ, अपने घर ही जाएगा वो डायरेक्ट ड्राइवर और इसको ड्रॉप करता हुआ। तो चलो भाई हम लोग तो चलते हैं घर की तरफ, और भाई बहुत मज़ा आया। ये एक बारबेक्यू का एक सडन सीन बना था, छोटा सा ही सीन था खैर, मगर बहुत मज़ा आया। पूरी रात हमने गुजारी, तकरीबन समझ लो हमने पूरे ही रात, हम शाम से ही वहाँ पर थे और सुबह सुबह हम यहाँ पर आ चुके हैं वापसी अपने घर के लिए। तो चलो गाइस बस चलते हैं, और थक गया हूँ बट बहुत मज़ा आया इस बारबेक्यू पार्टी में, और होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। ये मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को भी पसंद आएगी गाइस। तो बस चलते हैं, गाड़ी को अंदर पार्क करते हैं और सोने के लिए चलते हैं बस, क्योंकि थक गया हूँ मैं बहुत, और अभी और भी काम है शहर के हम लोगों को, क्योंकि अभी बकरा ईद वगैरह थी तो हम थोड़ा बस काम कुछ कर नहीं रहे थे, अभी पैसे भी जमा करने हैं।
जो चीज़ें भी लेनी है मुझे, एक दो गाड़ियाँ भी और ख़रीदनी है। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।